हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूले ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम शगुन का एनवेलप बनाएंगे। जी हाँ, वेडिंग सीजन में बहुत सारे तरह के एनवेलप्स हमें लगते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के एनवेलप्स। तो आज शगुन एनवेलप से हम अलग वैरायटी का एक एनवेलप बनाएंगे। शगुन एनवेलप बनाने के लिए देखिए हमने जो यूज किया इसमें, ये देखिए चौड़ा एक लेस है, ये मोटा बॉर्डर है, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलता है ये वाला बॉर्डर। मैंने कॉमन चीज ली है। हर बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत कॉस्टली चीजें लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार बहुत कॉस्टली चीजें लेती हूँ। देखिए इस तरह का बॉर्डर मैंने यूज किया तो बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास में इस तरह का रेडी बॉर्डर नहीं हो तो कोई भी साड़ी का निकला हुआ बॉर्डर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हैवी पल्लू का बॉर्डर हो या चुन्नी का बॉर्डर हो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डायमंड की चेन मैं यूज नहीं करी, कुछ ऐसी चीजें यूज नहीं करी जो आप खरीद नहीं सके और बना ना पाए। देखिए और साथ में एक मैंने कपड़ा रखा है, कॉटन सैटिन टाइप का कपड़ा है, ये थोड़ा सा अलग कपड़ा है, आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, वेलवेट ले सकते हैं, जो आपके पास में घर में कपड़ा रखा हो वो आप अच्छा कपड़ा यूज कर सकते हैं। इसमें बुकरम, ये बुकरम एक तरह से देखिए कपड़ा ही है जो स्टिफ कपड़ा है। हर बार लोग मुझे पूछते हैं बुकरम क्या होता है। बुकरम एकदम स्टिफ कपड़ा होता है ताकि जिसमें हम नीचे लगाते हैं तो कोई भी चीज हमारी स्टिफ रह जाए, ऐसे ढीली ना हो कोई भी चीज, इसलिए हम इसमें बुकरम का यूज करते हैं। और कोई भी बैंगल्स, जो बैंगल्स हमारे पास में पड़ी हो कोई भी बैंगल्स हम यूज कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए इस तरह की एक लेस मैंने ली है पतली, ये लेस मैं बैंगल्स के ऊपर लगाऊंगी। देखिए तो अगर आपको इस तरह की लेस ना लगानी है, कोई और लगानी है तो भी आप बैंगल के ऊपर लगाने के लिए लगा सकते हैं। इसमें रिबन है तो रिबन लगा सकते हैं आप, अलग अलग तरह की पतली लेसें आती वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये गोल्डन ली है क्योंकि मैं कपड़ा भी गोल्डन ले रही हूँ तो इसलिए मैचिंग के लिए मैंने गोल्डन लेस ही ली है बैंगल्स के ऊपर लगाने के लिए। या आपके पास में पुरानी डायमंड की बैंगल्स हो जिसको आप यूज करना चाहते हो, जो काम नहीं आ रही वो भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कोई भी ऐसी बैंगल जो आपको नहीं काम में आ रही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम न्यूज़पेपर लेंगे, न्यूज़पेपर हम पे हम हमारे एनवेलप की कटिंग करेंगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर पे कटिंग करने से हमें शेप के बारे में प्रॉपर पता चल जाता है कि हमारी शेप सही है नहीं है या अलग वैरायटी की शेप लेनी है। ठीक है, इसलिए हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। इसे फोल्ड कर दिया मैंने हाफ में और देखिए एक शेप ले रही, जैसे हम इसमें बैंगल का यूज करेंगे तो हम बैंगल की शेप लेंगे। ठीक है, ये शेप लेने के लिए हल्की ही शेप सही, हम बैंगल को हाफ में करके एक मार्किंग ले लेते हैं। ये बिल्कुल अंदाजे के लिए है आपकी मार्किंग, ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग ले दी। ठीक है, अब इसी में हम शेप कटिंग कर देते हैं। कैसे भी शेप आप ले सकते हैं, जैसे मैं इस तरह की सिंपल शेप रख रही हूं, बहुत ही सिंपल है, ये देखिए आप देख रहे होंगे सर स्ट्रेट लाइन की मैंने, ये देखिए हमारी शेप आपको दिख रही है। हमने बिल्कुल बैंगल का हल्का सा राउंड हमने लिया है, एक बार सेमी राउंड की ऐसे कटिंग कर देंगे हम। ठीक है, और ये देखिए ये शेप हमने यहां से स्ट्रेट लेकर स्ट्रेट, एकदम सिंपल शेप है, कोई भी आसानी से ड्रॉ कर सकता है। और इसे हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में शेप हमारी देखिए कुछ इस तरह की दिखेगी, आप देख रहे हैं हल्का सा राउंड ये हमारा, क्योंकि ये पूरा कटिंग हो जाएगा यहां से, इस तरह से कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद में एक छोटा सा राउंड दिख रहा है आपको, बिल्कुल वही राउंड है ये, वही राउंड है ये। और इसे हम खोल देंगे, खोलने के बाद में देखिए शेप आ गई हमारे एनवेलप की, जैसे कटिंग कर देंगे तो इस तरह की हमारी शेप आ जाएगी एनवेलप की। और ये देखिए ये बैंगल हम इसमें लगाएंगे तो ये देखिए बैंगल की शेप आ गई है। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, खाली हमें हल्का सा बैंगल का शेप लेना है, राउंड लेना है। अगर आप स्ट्रेट कटिंग करके भी बैंगल का बैंगल रख के ड्रॉ करके कटिंग करेंगे तो भी आपको साइज मिल जाए। अब हम बुकरम लेंगे, बुकरम पे देखिए हमारी शेप रखी हुई है, इस शेप को हम बुकरम पे ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। ऐसे तो मार्केट में बहुत रेडीमेड एनवेलप मिलते हैं लेकिन अपने हाथ के एनवेलप बनाने की बात ही कुछ और होती है। और ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर में रखी उससे हम बना सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है।
आप देख रहे हैं पूरा बुकरम पे हमने से ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए पूरा बुकरम पे हमारी शेप ड्रॉ हो गई। अब इसे हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारे बुकरम की कटिंग हो गई है, फोल्ड करके बिल्कुल वही शेप में हमने से कर दिया है। अब जो हमारा कपड़ा है वो हम लेंगे और इसे हम चिपका देंगे। क्लॉथ ग्लू से चिपका सकते हैं, फेविकॉल से चिपका सकते हैं, इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे। जैसे मैं यहाँ क्लॉथ ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉर्नर्स पे हम अच्छे से लगाएंगे ताकि कॉर्नर से छूटे नहीं हमारा कपड़ा। पूरा स्प्रेड कर देंगे किनारे पे हम, ताकि किनारे से हमारा कपड़ा कहीं भी चिपकने से रह नहीं जाए, उतना आप ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ भी लगा देंगे और पूरा चिपक जाएगा, चिपक के सूख जाएगा, तब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस कपड़े की हम पूरी कटिंग कर देंगे किनारे से, जैसे हमने बुकरम कटिंग किया वैसे हम इस कपड़े को भी कटिंग कर देंगे। देखिए हमारी शेप कटिंग हो गई है पूरी। शेप कटिंग होने के बाद में देखिए इसके जो एजेस है वो हम हल्के हल्के बर्न कर देंगे, ताकि हमारा धागा कहीं से भी ना निकले। इसमें हमने फोल्डिंग नहीं ली, ताकि मोटा पतला ना हो, कुछ नहीं हो, सीधे सीधे हम एजेस को बर्न कर देंगे। एक बार एजेस बंद कर देंगे, उसके बाद में कहीं से भी धागा नहीं निकलेगा इसमें। ये देखिए एक्स्ट्रा वाला पूरा अंदर चला गया हमारा। एजेस पूरे बंद करने के बाद में अब हमारी हम जो लेस है वो लेंगे। देखिए ये लेस बहुत चौड़ी नहीं थी, मतलब पूरे एनवलप में हमारे आ नहीं रही थी, तो इसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया है। एनवलप जहां फोल्ड किया है वहां से इसे हम लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। सिंपल है, किनारे से हम लगा देंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ पे ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू को हम अच्छा तेज गर्म करेंगे और फिर लगाएंगे। ये देखिए किनारे से चिपका दिया, थोड़ा हम बीच में से चिपकाएंगे। उसके बाद में ये देखिए ये पूरा जो हिस्सा है, इधर हम ग्लू लगाकर इसे पूरा इस तरह से चिपका देंगे और ऐसे हम दोनों तरफ करेंगे, ताकि हमारा पूरी लेस हर जगह चिपक जाए। और कॉर्नर्स का हम ध्यान रखेंगे, कॉर्नर्स पे हम अच्छे से ग्लू लगाएंगे, या फिर वाइट ग्लू या क्लॉथ ग्लू जो आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे हमारी लेस को। ये देखिए हमारी पूरी लेस चिपक गई है। अब इसे हम यही शेप में कटिंग कर देंगे। सीक्वेंस से थोड़ी थोड़ी सी टाइट रहेगी, और अगर साइड में लग रहा है आपको कि आपकी सीक्वेंस खुल सकती है कुछ है, तो वापस से आप उसे उसके एजेस को बर्न कर दीजिए। वैसे तो खुलती नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है तो आप इसे पूरा वापस से बर्न कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम पूरी शेप कटिंग। देखिए अब हम हमारी बैंगल लेंगे और ये हमारे जो गोल्डन लेस हमने ली थी वो लेंगे और इसे बैंगल पर हम लगा के पूरा कवर कर देंगे। ग्लू लगा के हल्का हल्का हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसे पास पास में इस तरीके से हम राउंड में चिपका देंगे। पूरे बैंगल को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी बैंगल में राउंड में इसे। ये देखिए हमारी बैंगल रेडी हो गई है, हमारा एनवलप रेडी है। साइड में से इसे हम अब चिपका देंगे सबसे पहले।
खाली दोनों साइड में से हम चिपकाएंगे। साइड चिपकाने के बाद में देखिए हमारी जो लेस है इसे हम ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें बैंगल में लगाया, इसलिए थोड़ा सा हम इसे लगाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, खाली कॉर्नर देंगे हम, बहुत सुंदर लगेगा इतना इसका कॉर्नर बनाने पे। और पीछे से घुमा के हम पूरा राउंड कर देंगे यहां से। देखिए यहां तक रख के से कटिंग कर देंगे। अच्छे से चिपका देंगे हम इसे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी चिपका देंगे, दोनों तरफ हम सिर्फ बॉर्डर दे देंगे इसका। ये देखिए हमने दोनों तरफ लगा के इसे तैयार कर दिया। अब लास्ट हमारा जो बैंगल है इसे हम लगा देंगे। अगर आपकी पतली बैंगल है तो आप दो लगा सकते हैं, ये मैं थोड़ी थिक बनाई है तो एक ही बैंगल का हो जाएगा। ये देखिए बैंगल लग के हमारा देखिए एनवलप तैयार हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ छोटा सा चिटचैट लगा दीजिए ताकि हमारा यहाँ से चिपक जाए और हमारा एनवलप रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और देखिए बिल्कुल भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत आसान। गोल्डन डोरी जो हमारे पास घर में रखी रहती है उससे बनाया है, जो लेस हमारे पास रखी रहती है घर में उसी से मैंने बनाया है, बिल्कुल भी इसमें हैवी सामान यूज़ नहीं किया है। बट देखिए कितना सुंदर बन गया है ये। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नए आने के, तब तक के लिए बाय।